नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, NIOS DA LED का जो मामला है, जिसका डायरी नंबर है 4961 विश्वनाथ वर्सेस अदर्स, तो उस केस में अब देखिए NIOS DA LED का मामला काफ़ी समय से जो है लटका हुआ है, और इस पे अब जो अगली सुनवाई है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था, जो कि होनी है 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को अब इस पे क्या होगा, क्या ये लास्ट सुनवाई होगी, क्या इसमें फाइनल फैसला दे दिया जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपके जज हैं इस केस के, वो हैं जस्टिस गवई। जस्टिस गवई वही हैं जिन्होंने बीएड को पीआरटी से बाहर किया था और वही फैसला दिया था, इतना अहम फैसला उनकी तरफ से दिया गया था। तो अब जो अगली तारीख आनी है 5 नवंबर की NIOS DLED की, तो क्या उसमें NIOS DLED का फैसला दे दिया जाएगा और किन किन बातों पे चर्चा होगी? तो देखिए, सबसे पहले तो अंतरिम, आपकी जो इंटरिम रिलीफ है उसके बारे में बात होगी। जो पिछले साल फैसला दिया गया था आपका NIOS DLED का, उस पे बात होगी, और प्लस जिन राज्यों की तरफ से ये केस डाला गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उन्हीं राज्यों को छूट मिलेगी। जो फैसला आएगा वो सभी के लिए होगा। ऑल ओवर इंडिया जिन स्टूडेंट्स ने NIOS से अपनी DLED की है, तो ये ऐसा कभी नहीं होता है कि कुछ बच्चों को, भाई जो कोर्ट तक पहुंचे हैं उन्हीं को ही राहत दी जाए या उन स्टेट्स को दी जाए। जब भी कोई फैसला होता है, स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, तो वो सभी के लिए आता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाइएगा। और बात रही बिल्कुल अंतरिम राहत के बारे में, इसमें बात होगी जो आपका पिछले साल जो रूल आया था उस पे वापस से रिव्यू किया जाएगा, और 5 नवंबर के लिए स्पेशल बेंच ऑलरेडी रेडी हो गई है जस्टिस गवई की तरफ से। अच्छा फैसला और बच्चों के हित में देखने वाला फैसला हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इस चीज के लिए आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए। 5 नवंबर का जो दिन है वो बहुत अहम है, और जहां तक है बिल्कुल जीत होने वाली है NIOS DLED की। तो यही अपडेट देना था आपको। बाकी NIOS DLED पे जो भी अपडेट्स आएंगे, सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।